आज की जो हमारी लैब है उस लैब का नाम है आपके पास इंटर ASMPLS VPN विद बैक टू बैक VRF, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एडवांस MPLS का, ये पार्ट है आपका। अभी तक जितनी भी लैब्स आपने की हैं उसमें आपका जो AS था वो सिंगल होता था, आज दो AS हैं, यानी हमारे पास दो सर्विस प्रोवाइडर हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर का AS है BGP 123 और दूसरे का है BGP 456। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की साइट्स हैं, लेट्स से वो VRF CCI है, और इसकी दूसरी जो साइट्स है वो दूसरे ISP से अटैचमेंट है, ना कि सेम ISP से। पहले क्या होता था, ये वाली यहाँ पर अटैचमेंट हुआ करती थी, अब ये दूसरे ISP पे चला गया। सिमिलरली दूसरा MPLS VPN VRF NCP B और VRF NCP A, ये भी आपके पास दो अलग अलग ISP से अटैचमेंट है, ISP 123 से और ISP 456 से। तो देखना ये कि अगर बैक टू बैक आपके पास, क्योंकि हमने जितना भी किया वो किया है इंट्रा ASMPLS VPN किया है आज तक, एक ही AS के अंदर, अब ये इंटर AS है। तो जितना हम लोगों ने स्टडी किया है, फॉर एग्जांपल कि ये R7 है और ये कस्टमर एंड हो गया, ये VRF CCI, ये राउट इसके R1 के अंदर VRF के अंदर चले जाएंगे, RD सेट कर देंगे इसके ऊपर, तो VPN V4 नेटवर्क प्रीफिक्सेस बन जाएंगी। इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कर दिया जाए, एक्सपोर्ट करने के बाद इसको जहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क्स आपके पास, यहाँ से हम BGP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, BGP में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद व्हाट विल हैपन, इन नेटवर्क्स को हम जो इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे किसके ऊपर, R3 के ऊपर। यहाँ पर हमने इसको VRF का पार्ट बना रखा है, VRF 123 का हमने पार्ट्स बना के रखा हुआ है। इन नेटवर्क्स को एक्सपोर्ट करने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, यानी दो जो ISP हैं हमारे पास, BGP AS 123 और BGP AS 456, ये दे आर दी पार्ट ऑफ दी VRF, ये VRF के पार्ट्स हमने ले रखे हैं। तो इस क्लाइंट की जो CE की जो प्रीफिक्स है, यानी 7110 की जो प्रीफिक्स होगी वो R1 पे चली जाएगी, उसको VPN V4 इन दोनों के बीच में बनाया होगा हमने, R1 R3 के बीच में, यहाँ पे हम कर लेंगे, ये हमारे पास PE है, यहाँ पर जब आएगी तो हम इम्पोर्ट करेंगे इसके अंदर VRF 123 के अंदर। सिमिलरली R8 की नेटवर्क्स को जब R6 पर VRF CCI में लाया जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद VPN V4 में चली जाएंगी ये, तो ये आपके पास इन दोनों के बीच में MPBGP लगा रखा है। इन नेटवर्क्स को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से और इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, यानी 70 की नेटवर्क एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ इंपोर्ट की जाएंगी, यहाँ पर आ गई। 80 की नेटवर्क यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आ गई, इंपोर्ट कर ली गई। अब 70 की नेटवर्क यहाँ पड़ी हुई है और 80 की यहाँ पड़ी हुई है, हम क्या करेंगे, इनके बीच में नेबरशिप क्रिएट करेंगे। नेबरशिप कहाँ जाएगी, एड्रेस फैमिली के अंदर VRF 123 में, VRF 456 में। तो व्हाट विल हैपन कि इसमें BGP की नेबरशिप बनाई जाएगी, BGP की नेबरशिप हम बनाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, ये जो नेबरशिप जैसी बनेगी 70 की नेटवर्क बिना एक्सपोर्ट किए R4 पर चली जाएगी, क्योंकि नेबर बन गया। 80 की नेटवर्क्स बिना एक्सपोर्ट किए यहाँ पर चली जाएगी। तो अब गोया कि 80 की नेटवर्क यहाँ पड़ी हुई है और 70 की नेटवर्क यहाँ पड़ी हुई है, तो इस 70 की नेटवर्क को यहाँ से हम क्या करेंगे, RD लगाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यानी जो 80 की नेटवर्क यहाँ पहुँच जाएगी, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अगर ये एक ही VPN होता तो बड़ा आसान था, बट अब अगर ये भी VPN आ गया तो व्हाट विल हैपन, जिस तरह से 80 की नेटवर्क यहाँ तक पहुँच गई, इसी तरीके से 110 की नेटवर्क भी यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब दो नेटवर्क एक ही VRF का पार्ट हो गई है, तो व्हाट विल हैपन अगर इसके ऊपर हम RT एक्सपोर्ट लगाते हैं और उसको अगर यहाँ इंपोर्ट करते हैं, तो ये वाली नेटवर्क भी यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी, और अगर इसको यहाँ इंपोर्ट करते हैं तो ये वाली नेटवर्क भी यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी अगर आपके पास CE के अंदर, CE से नेटवर्क गोइंग टू दी पी, आपके पास पी पे जा रही है VRF पे, तो इनसाइड दी VRF जितनी भी नेटवर्क्स होती हैं, इनसाइड दी VRF जितनी भी नेटवर्क्स होती हैं उनके ऊपर जो भी हम एक्सपोर्ट लगाते हैं, जहाँ इंपोर्ट करते हैं सारी वहीं चली जाती हैं, बट ये तो हमें नहीं करना था, हमने तो इसकी नेटवर्क्स को यहाँ भेजने का है, इसकी नेटवर्क्स को यहाँ भेजने का है। अब ये दोनों ही नेटवर्क यहाँ पड़ी हुई हैं, अगर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, यहाँ इंपोर्ट किया, यहाँ आ जाती हैं,
बट ये तो गलत हो गया। तो अब इस केस में आपका जो आज तक जो हमने काम किया है वो टास्क फेल हो जाएगा। तो आज की डेट में आज देखेंगे हम नया एक कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट मैप का, यानी हम एक ACL बनाएंगे या प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर, और बनाने के बाद व्हाट विल बी डू कि उसके अंदर हम उसको मैच करेंगे राउट मैप के अंदर, यानी प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे उसको राउट मैप में मैच करेंगे और उस पर सेट करेंगे, यानी वी विल क्रिएट टू प्रीफिक्स लिस्ट। किसके लिए? एक प्रीफिक्स 80 के लिए, एक 110 के लिए। तो 180 के लिए जो प्रीफिक्स कॉल की जाएगी राउट मैप के अंदर, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग RT एक्सपोर्ट की वैल्यू सेट करेंगे। फिर अगले स्टेटमेंट में यानी परमिट 20 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको प्रीफिक्स को कॉल करेंगे, उसकी RT की वैल्यू अलग सेट करेंगे। तो जो एक्सपोर्ट की वैल्यू हमने यहाँ सेट की है उसको यहाँ इम्पोर्ट कर लेंगे, जो 80 के लिए की गई है और जो 110 के लिए की गई है उसको पार कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा सा टास्क है। फिर क्या होगा, जब हम लेबल्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे लेबल्स यहाँ अनटैग हो जाएंगे हैं। अगर इसका ट्रैफिक अगर यहाँ गया तो यहाँ से लेबल्स लग के जाएगा, लेबल्स लग के पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे अनटैग हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द VRF, अनटैग हो जाएंगी। फिर दोबारा से जब एंटर होगा तो फिर लेबल लगेगा। तो देखते हैं लैब में, पहले हम क्या करेंगे कि पहले ISP AS123 के MPLS क्लाउड को कॉन्फिगर करते हैं पूरे को, फिर इस वाले को कॉन्फिगर करेंगे, फिर इसको एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे।